हेलो फ्रेंड्स, आज है गणेश पूजा। आप सभी को गणेश पूजा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान जी आप सभी को बुद्धि और सिद्धि प्रदान करें आज। और आज प्रभु गणेश जी यहाँ पधारेंगे हमारे यहाँ, और गोपू और हम पूरा एक्साइटेड है और आप सब लोग भी एक्साइटेड होंगे। और रात भर गोपू सोया नहीं, इसलिए उसका मुंह ऐसा हुआ है। जैसे हम बचपन में, मुझे उसको देखकर मुझे बचपन का याद आ गया। मैं भी ऐसे रात में सोती नहीं थी, सुबह सुबह नींद खुल जाता था, कैसे हम जाए स्कूल में गणेश पूजा सेलिब्रेशन हो। आजकल तो ऐसा स्कूल में नहीं होता, और हम दिखाएंगे बैंगलोर में कैसे सेलिब्रेशन होता है गणेश पूजा। और हमारे घर में आज तो ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, तो दिखाएंगे कैसे हम गणेश पूजा करते हैं। और हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अभी हम जा रहे हैं गणेश जी का पूजा सामग्री लेने और प्रसाद लेने, और इसके बाद हम फिर से मिलते हैं। अभी हम मार्केट जा रहे हैं। देखिए कितना मार्केट में भीड़ भाड़ है, और गणेश जी का स्वागत सब लोग चाहते हैं हमारे घर पे हो, तो सब आ गए हैं सुबह सुबह गणेश जी को लेने के लिए। और बैंगलोर में आपको जगह जगह ऐसा बड़ा बड़ा हो या छोटा हो, गणेश जी का मूर्ति आपको देखने के लिए मिलेगा, और वैरायटी डिज़ाइन का भी मिलेगा, और वो अच्छा लगता है। बड़ा हो या छोटा, जितना आप स्मॉल भी चाहे वो इको फ्रेंडली हो, बहुत सारा वैरायटी मिलता है। और बैंगलोर में एक अच्छी बात है कि आपको फ्लावर मन आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, और जैसे लगता है बैंगलोर सिर्फ फ्लावर का ही सिटी है। इतना वैरायटी मैं अलग स्टेट में नहीं देखती हूँ, लेकिन बैंगलोर सिटी में ये आपको मिलेगा बहुत सारा फ्लावर हर फेस्टिवल में। हम बहुत सारा गणेश जी का मूर्ति देखे और कंफ्यूज हो गए कि कौन सा ले। और हमने डिसाइड किया कि इको फ्रेंडली गणेश जी का मूर्ति ले। हमने गणेश जी का मूर्ति भी ले लिया है, और बनाना लीफ ऐसा जो भी पूजा सामग्री है हमने ले लिया है। अभी बारी है प्रसाद लेने के लिए। अभी हम मिठाई के शॉप में पहुंच गए हैं। यहाँ पर देखिए कितना वैरायटी टाइप्स मिठाई है, स्पेशली लड्डू और मोदक बहुत सुंदर सुंदर लग रहे हैं, बहुत यम्मी दिख रहे हैं। और सब लोग तो वो ही वाला ही ज़्यादा ले रहे हैं, मोदक हो या लड्डू हो, क्यों ना ले। मोदक और लड्डू तो भगवान जी का सबसे फेवरेट है ना, इसलिए सब लोग मोदक को ही ज़्यादा ले रहे थे। और अभी चलिए हम भगवान जी को हमारे घर पे लेकर चलते हैं, और सुंदर सा सजाकर उनकी आराधना करते हैं। देखिए हम गणपति जी को ले आए हैं। यहाँ पर गणपति जी है, अभी हम डेकोरेट करेंगे। ये हमारा छोटा सा मंदिर है। देखिए पूजा सामग्री भी हम ले आए हैं। गोपी भी देखिएगा नहाकर रेडी हो गया है। तोरण के लिए भी हम कल से मैं तोरण बनाकर रखी थी, अभी डोर के बाहर हम लगाएंगे। और बनाना लिप्स भी हम लाए हैं, और डेकोरेशन के बाद हम आपको दिखाएंगे कैसा लग रहे हैं हमारे गणपति जी। हमने गार्ड भैया को बोला था थोड़ा सा पूजा के लिए आम का पत्ता लाने के लिए, वो कितना लाए हैं पूजा सामग्री। आम का पत्ता, दूब, ऐसा सब पूजा में लगता है कि बहुत सारा ले आए हैं। गोपू हंस रहा है देख कर। आप खाना खाओगे या नहीं, आपको भूख नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है गोपू? 8:30 के अंदर हार्डली वो खा लेता है, उसको भूख लगता है, लेकिन आज उसको भूख नहीं लग रहा है। पूजा करेगा उसके बाद खाएगा। गुगु डोसा बनाऊंगी, खाओगे? जल्दी खा लो, भूख खाओगे। हाँ, भगवान जी के पास प्रसाद लगाने के बाद खाना।
आपका हाथ ठंडा है, आप नहाए हो ना सुबह सुबह। यहाँ पर आप एक बात सोच रहे होंगे, ये वाला क्या है। मेरा अलग सा एक यूट्यूब चैनल है, बिग फन आर्ट। यहाँ पर मैं जो भी है, थोड़ा सा गंदा है, आप थोड़ा सा नेगलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर मैं करती हूँ जो भी पेंटिंग ऐसा कुछ मैं करती हूँ। और यहाँ पर हम भगवान जी का, यहाँ पर भी एक और एक है कैमरा स्टैंड। यहाँ पर हम हमारा छोटा सा प्यारा सा मंदिर है। गणपति जी के डेकोरेशन के बाद हम फिर से मिलते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा गणपति जी को हमने सुंदर सा सजा दिया है। देखिए कैसे लग रहे हैं भगवान जी। दोनों बच्चे आए हैं, वो खेल रहे हैं। गोबो हेलो, आप क्या मंत्र नहीं कर रहे हैं? अभी मंत्र वो पढ़ेंगे, पूजा करेंगे। प्रसाद लड्डू और मोदक लाए हैं भगवान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए। अभी हमारा पूजा खत्म हो गया है। भगवान जी को हमने प्रसाद चढ़ा दिया है, सब काम कंप्लीट हो गया है। और एक स्पेशल चीज दिखाना है आपको, ये है बूंदी और सेब। ओडिशा में जब हम स्कूल जाते थे, हमें प्रसाद में ये वाला फर्स्ट मिलता था, उसके बाद तो पूरी और करी ऐसा सब मिलता था। पहले ये वाला हम खाते थे। और आपके स्कूल में ऐसा होता था या नहीं हमें बोलिएगा। गोपी देखिए एंजॉय कर रहा है। गोपी कैसा लग रहा है? स्कूल में खाने का मजा अलग ही होता है, लेकिन क्या करें, आजकल के स्कूल में तो ऐसा नहीं होता है। तो ओडिशा में हो रहा होगा, ओडिशा में शिशु मंदिर में हमारा होता था। अभी पूजा खत्म हो गया है, अभी दिन के 12 बजे हैं। और भी पूरा दिन है, क्या क्या हम गणेश पूजा के दिन में हम करेंगे, वो वाला वीडियो भी आपको सब करके दिखाएंगे, क्या क्या हो रहा है दिन भर, हम क्या क्या करेंगे। और एक स्पेशल जगह भी हम जाने वाले हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे।